तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं जो कि चौथा वर्गीकरण है, ओष्ठों या मुखाकृतियों के आधार पर। ओष्ठों या मुखाकृतियों के आधार पर इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो ओष्ठों या मुखाकृतियों के आधार पर इसके दो भाग हैं, दो भागों में इसको बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी, वर्तुल गोलाकार या वृत्तमुखी। दूसरा अवृत्तमुखी या प्रसृत। तो वर्तुल गोलाकार वृत्तमुखी का मतलब जिस स्वरों को बोलते समय मुख गोल आकृति का हो जाता है, ठीक है, मुख कैसा हो जाता है, वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो देख लीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ या ओष्ठ लिखिए, ओष्ठ गोल आकार या वृत्ताकार हो जाता है, ठीक है, जिस स्वर को बोलते समय ओठ जो है गोलाकार हो जाता है, वृत्त आकार का हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, वृत्तमुखी या वृत्ताकार या गोलाकार या वर्तुल। तो किस किस स्वर को बोलते समय मुख ये ओठ जो है गोलाकार हो जाता है, देखिए, जैसे ऊ बोलेंगे तो ऊ मुख कैसे हो जा रहा है, ओठ गोल आकार हो जा रहा है, बड़ा ऊ ओ इसको भी बोलते समय गोल आकार हो जाएगा, आओ ये सभी क्या हैं, ये सभी वृत्तमुखी हैं गोलाकार, ठीक है, वृत्तमुखी या वृत्ताकार या वर्तुल, ठीक है ना। और अवृत्तमुखी या प्रसृत किसे कहेंगे, प्रसृत का मतलब फैल जाना, ओठ जब फैल जाते हैं बोलते समय जिस स्वरों को, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवृत्तमुखी या प्रसृत कहते हैं। इनके उच्चारण में, इनके नहीं जिनके लिख लीजिए, जिनके उच्चारण में ओठ गोल न होकर बल्कि फैल जाते हैं, जिनके उच्चारण में ओठ गोल न होकर के फैल जाते हैं जिनके उच्चारण में बोलते समय, उसको क्या कहते हैं, अवृत्तमुखी कहते हैं या प्रसृत कहते हैं या वृत्ताकार कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण है, अ आ ई ई अ आ ई ई ए ऐ यही है, ठीक है, अ आ ई ई ए ऐ ये क्या है, अवृत्तमुखी। कहने का मतलब इनको बोलने में वृत्त नहीं हो रहा है, मतलब गोल नहीं हो रहा है ओठ, ठीक है, इसको प्रसृत भी कहते हैं। और वृत्तमुखी कौन है, जिसको बोलने में वृत्त हो जा रहा है ओठ, मतलब गोल हो जा रहा है, गोल आकार हो जा रहा है, ठीक है।
और टिप्पणी लिख लीजिए, एक टिप्पणी, री जो है ना, री को बोलने में पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, कहने का मतलब इसको अर्धवृत्त वृत्ताकार स्वर है, यह है अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार स्वर है री, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसके आगे चलते हैं अब हम लोग।